हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी है गुलाब जामुन, जिसके लिए मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है और उसको पकाते पकाते उसका मावा यानी कि खोया बनाया है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको तब तक चलाते रहना है जब तक अच्छे से मावा बन नहीं जाता है। तो इसको मैं ऐसे ही राउंड राउंड चलाते रहेंगे ताकि ये ना जले और ना गुलथिया बने उसमें, जो एक अजीब सा हो जाता है ना, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, तो वैसा ना हो। एक प्रॉपर स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। इसको अच्छे से सुखाते रहना है, तब तक कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिए। अब जब हमारा मावा तैयार हो गया है, तो उसको एक थाली में निकालिए और थोड़ा, यानी कि मेरा जो खोया था वो करीब 250 से 300 ग्राम था, उसमें मैंने 100 ग्राम मैदे की मदद से इसको अच्छा सा एक गूंथ लिया है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं वैसे खोआ को और मैदे को मिक्स करके इसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको अच्छे से मसलना है ताकि इसमें कहीं पे भी कुछ भी गोल गोल ना रहे। हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए प्रॉपर अच्छे से, ताकि हमारा जो गुलाब जामुन रहे वो अच्छा शेप रहे। बार बार मेरे मुंह में रसगुल्ला इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे इलाहाबाद में बहुत लोग इसको रसगुल्ला भी बोलते हैं, बट नहीं, इसका नाम गुलाब जामुन है। और उसके बाद इसको गोल गोल शेप देना है गुलाब जामुन का। आप देख सकते हैं कि मैं इसको गोल गोल शेप दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना फास्ट फास्ट कैसे कर रही हूँ। भाई, फास्ट फास्ट मैं यूँ कर रही हूँ कि मैंने तो नॉर्मल ही शेप दिया था, लेकिन मैंने अपने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था, तो मैंने सोचा इतना लंबा वीडियो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट फास्ट, थोड़े थोड़े गोल गोल, थोड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े, मैं लड्डू जैसा आकार दे रही हूँ, गुलाब जामुन जैसा आकार दे रही हूँ, जो भी इसको नाम दीजिए। और इसका पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और बचा है, 2 ही 3 पीस, वो भी रेडी हो जाए, उसके बाद हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। सब टेढ़े नहीं है, एक्चुअली 2-4 टेढ़े हैं, बाकी मैंने गोल गोल गुलाब जामुन बनाए हैं, आप भी देख सकते हैं। एक साथ 2 बनाने की तैयारी की लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए वापस से 1 ही कर दिया। अब जबकि कंप्लीट रेडी हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे चाशनी के तरफ। उसके लिए पहले 400 ग्राम शक्कर लीजिए यानी कि चीनी, और उसमें 2 कप पानी डालना है और उसको मध्यम आंच पे पकने के लिए रख देना है। ये जब पकने लगे, 2 कप पानी डाला है, 400 ग्राम मैंने शक्कर डाला है, उसके बाद जब ये पकने लगा तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और ज़रा सा केसर डाल दिया। केसर से बहुत खूबसूरत रंग आता है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी तैयार है। इसको मैंने करीब 10 से 15 मिनट पकाया है। उसके बाद हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, और घी के अंदर जो हमने पेड़े या गुलाब जामुन का शेप जो भी आप बोलें वो जो बनाए थे वो हम डालेंगे। पहले हम घी को गरम करेंगे तेज आंच पे, फिर हम मध्यम आंच कर देंगे, और एक बार में जितने गुलाब जामुन हम डाल सकते हैं उतने हम डालेंगे, और उनको अच्छे से तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और इनको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है ताकि बीच से एक साइड ये जल ना जाए, एक साइड कच्चे ना रह जाए, इसलिए हम इनको चम्मच के सहारे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि प्रॉपर एक कलर आ जाए, ब्राउन, या कह सकते हैं थोड़े जो गुलाब जामुन वाले कलर होते हैं, लाल कलर या कत्थई कलर, जो भी कलर कहते हैं, इनको अच्छे से पकाते रहना है। अब आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन ने बहुत अच्छा कलर ले लिया है और लग रहा है अच्छे से पक भी गए हैं। तो हम इनको अच्छे से पकाते रहेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये इक्वली ब्राउन नहीं हो जाते हैं।
अभी देखिए परफेक्ट पक चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी जो गुलाब जामुन बचे हैं अब उनको डालेंगे। वो भी एक एक करके हम आराम से डालेंगे क्योंकि घी गर्म है ताकि जले भी नहीं, तो अच्छे से इनको डालना है। पूरे गुलाब जामुन को मैंने डाल दिया और वापस से वही मध्यम आंच कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारे गुलाब जामुन पक जाएं। और जो अच्छे से डूबे नहीं हैं उनको हम अच्छे से मिक्स करके बीच में ला देंगे ताकि अच्छे से घी उनको भी मिलता रहे। इन्हें भी तब तक पकाना है जब तक कि प्रॉपर ब्राउन कलर ना ले लें। कंटिन्यूसली चलाते रहना है, कहीं एक साइड जल ना जाए, एक साइड कच्चे ना रह जाए। इनको चम्मच के सहारे आराम से पलटते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए, अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन थोड़े थोड़े पकने लगे हैं और इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि ना जले और ना कच्चे रह रहे। साथ ही साथ हम चाशनी को थोड़ा गर्म करने के लिए रख देंगे क्योंकि उस समय मैंने पका के बंद कर दिया था। अभी जबकि पूरे गुलाब जामुन तैयार हैं तो मैंने चाशनी को वापस से 2 मिनट के लिए गर्म कर दिया और ये हमारे जो गुलाब जामुन पक रहे हैं इनको अच्छे से ब्राउन होने देना है। अभी देखिए ये अच्छे से पक गए हैं, अब इन सबको एक साथ निकाल लेना है अच्छे से निथार करके ताकि इसमें घी ना आए। कलछी के सहारे अच्छे से निकाल लीजिए। ये देखिए थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हैं और हमारी चाशनी हल्की गर्म हो गई है। अब इस चाशनी को पहले तो गैस बंद करेंगे, फिर इसे चाशनी के अंदर हमारे जो गुलाब जामुन रेडी है हम उसको डाल देंगे। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन तैर रहे हैं। यस, गुलाब जामुन मेड बाय पूनम दुबे। देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना? लेकिन अभी नहीं, कम से कम 3 घंटे तक हम इसमें डूबा रहने देंगे ताकि चाशनी ये चारों तरफ से पी ले, जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से चाशनी में डूब जाएं, तब हम उसके बाद इसको खाएंगे।